आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश। जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज, सहरिया बैगा एवं भारिया बहनों को आहार भत्ते का वितरण एवं बाढ़ राहत की राशि के वितरण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी शिवपुरी में उपस्थित बहनों के भाई कौन हैं? बहनों के भाई कौन हैं? बेटियों के मामा कौन हैं? गरीबों के मसीहा कौन हैं? मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आज मेरी सब महिला स्व सहायता समूह के सामने हमारे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो ग्रामीण पंचायत के मंत्री हैं, उनको मैं स्वागत करती हूं। मेरे केपी यादव जी हैं, मेरे सांसद, उनका मैं स्वागत करती हूं। मैं माननीय सुरेश राठखेड़ा जी हैं, उनका स्वागत करती हूं। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे राजू बाथम जी हैं, उनका स्वागत करती हूं। हमारे वीरेंद्र रघुवंशी, हमारे एमएलए साहब हैं, उनका स्वागत। हमारे श्योपुर के एमएलए श्री सीताराम आदिवासी जी का स्वागत। हमारे महासचिव भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत। और मेरे सारे पूर्व विधायकों का भी स्वागत। अगर आप खड़े होके आप महिलाओं से ताली ले सकते हो, चलिए खड़े तो होइए। धन्यवाद सबका। आप आज हम यहां एकत्रित हुए हैं, हमारे स्व सहायता समूह का एक बहुत बड़ा अधिवेशन में। नारी शक्ति या महिलाओं का सशक्तकरण, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में, मैं आज महिला की सशक्तिकरण की एक सबूत हूं। मैं आज इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे पता है कि जब से मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 दिसंबर को 2013 में जब उनने शपथ लिया, तो जिस तरह से उनकी ललक हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो ललक थी, वो 3 मैं देख चुकी हूं, क्योंकि 3 उनने मुझे उनके कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री का पोस्ट दिया। यही एक बहुत बड़ी सबूत है। लाडली लक्ष्मी से लेकर आपने वो सफर किया हमारे साथ, वो मैंने धीरे धीरे देखा। मैं साक्षी हूं उन दिनों की, जब महिलाएं और बेटी कोनी में पटकते हुए हमारे परिवारजन करते थे। मैं साक्षी हूं उस दिन की और उस समय की, जब आपने लाडली लक्ष्मी को पैसे देके एक ऐसा बहुत सुंदर एक एक गरीब परिवार में स्थान दिया। उसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। मैं साक्षी हूं उस समय की, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब एक एक बेटी को देखते हुए कि बेटी अगर पढ़ेगी नहीं तो फिर कैसे सशक्त होगी, और उस बेटी को पैदल चलते चलते देखते हुए आपने वो योजना बनाई जिसमें हमारी
लाखों बेटियों को साइकिल मिला और वो स्कूल जा सकी। मैं साक्षी हूं उस दिन की जब आपने कन्यादान योजना बनाई, जिसमें आपने बेटी के लिए जब उसकी शादी होती है तो सारी चीजें, साड़ी, फर्नीचर, गहना, किचन के बर्तन, बर्तन तक आपने हजारों लाखों महिलाओं को दी है। इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। मैं साक्षी हूं उस दिन की और उस समय की जब आपने महिलाओं के लिए, जब कन्यादान के बाद और शादी के बाद जब वो गर्भवती हो जाती हैं, तो आपने जो पीड़ा देखी कि सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, मरते हैं अपने अपने प्रेगनेंसीज में, तो आपने उन गर्भवती महिलाओं के लिए दवाई दी, इंश्योरेंस दिया और उनके खाते में पैसा दिया ताकि वो बच्चियों के लिए अपनी गोली खाएं, विटामिन खाएं। इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। देश भर में, पूरे प्रदेशों में आपकी लाडली लक्ष्मी योजना हर स्टेट ने अपनाई। हर प्रदेश में उसके बाद आपकी कन्यादान योजनाएं अपनाई गई। इसको कहते हैं देश में महिला सशक्तिकरण। पर इसका नेतृत्व किसने किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह ने, जो हर बेटी के मामा हैं और हर बहन के आज भाई हैं। मैं इस मंच से आपको तहे दिल से सिर्फ आदर के साथ तालियां नहीं बनाना चाहती हूं, पर दिल से तालियां बजाना चाहती हूं आपके लिए। हमारी हर महिला आज खड़े होके ताली बजाए इस मामा जी के लिए, इस भाई के लिए, जिसने आज हमारी महिला समूह को इतना सशक्त बनाया है। और आज शिवपुरी में हम धन्य हैं कि आप यहां पधारे और आपने मेरे एक एक महिला समूह का चेहरा देखा। ये समूह आपके हाथों से खड़ा हुआ है। आज जो आज पोषण आहार की जो फैक्ट्री, जो मैंने एक आग्रह से 2018 में, जब शिवपुरी का नाम नहीं था उसमें, और मैंने आपसे आग्रह किया कि हमें भी दे दीजिए आप, और आज वो दिन देखने को मिल रहा है जब इतनी सुंदर फैक्ट्री खड़ी हो गई, आपने मेरी मान की, मेरा सम्मान किया और एक इतना सुंदर फैक्ट्री खड़ा है जो हमारी महिलाओं के लिए आज वो ही चलाएंगी और उसकी चाबी आपने दी है। ऐसे ही महिलाएं सशक्त होती हैं। कोविड काल में आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की। हम लोगों ने गूगल वीसी से, आप लोगों से एक एक समूह से बात करी। वैक्सीनेशन अभियान में ये हमारा जो शिवपुरी जिला है वो बहुत जल्द पहले डोज में 100% होने वाला है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि आपने जिस तरह से एक मिसाल रखा हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए, वो हम महिला जो आपके सामने खड़ी हैं, जो आपके सामने बैठी हैं, भूल नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, श्रीमंत श्रीमंत यशोदादादि सिंधिया जी। अब हमारे शिवपुरी के जो भाजपा के साथी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना चाहते हैं। संयुक्त रूप से एक साथ आकर सभी लोग सम्मान करेंगे। इसमें नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा शिवपुरी श्री विपुल जैमनी जी और उनके साथी, तथा पुरानी शिवपुरी मंडल अध्यक्ष के पी परमार साहब और उनके साथी यहाँ शामिल हैं। जोरदार तालियों से आइए इस अभिनंदन में हम शिरकत करें, शामिल हों।